दोस्तों, जब किस्मत साथ देती है तो इंसान बुरे से बुरे हालात से भी बच निकलता है। अब इस स्कूटी ड्राइवर को ही देख लीजिए। बेशक ये मोहतरमा इंस्टाग्राम पर ऐसे तो बिजलियां नहीं गिराना चाहती थी। कमेंट करके बताएं कि यहां आपको किसकी गलती लगती है, बस ड्राइवर की या फिर स्कूटी वाले की। कुछ ही समय पहले इस लिफ्ट में एक बच्चा मौजूद था जो कि इसके बाहर निकलने के महज 10 सेकंड्स बाद ही चौथे फ्लोर से सीधे नीचे जा गिरी। पास में ये शख्स ना खड़ा होता तो धोती वाले अंकल आज तीसरे फ्लोर से सीधा नीचे जाने वाले थे। चलते ट्रक से निकला हुआ टायर यहां गैस सिलेंडर पर बैठे एक शख्स को निशाना बनाना चाहता था। सेफ्टी बेल्ट्स ना लगे होते तो ये मजदूर आज पक्का स्वर्ग सिधार जाते। शायद इन कबूतर महाशय को मरने से डर नहीं लगता। टकले पर हाथ घुमा रहे ये जनाब इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आज उनका टकला खतरे में है। इस सफेद शर्ट ने आकर यहां आराम से खड़े अंकल जी की इलेक्ट्रिक स्कूटी का एक्सेलरेटर घुमा दिया। हादसा खौफनाक था मगर किसी को कोई चोट नहीं आई।
अब इसे देखकर तो यही लगता है कि तूफानी मौसम में बाहर निकलने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी एक बार सुन लेनी चाहिए। इनकी जान बचाने के लिए दो वाहन एक साथ टेढ़े होते दिखाई दिए। देखा जाए तो कुछ ही इंचेस की दूरी से ये लोग मौत को चकमा देने में कामयाब रहे। इस ट्रक ड्राइवर को तो भाई पक्का मेडल मिलना चाहिए। महज चंद फीट की दूरी से इस कार का कबाड़ बनते बनते रह गया। ये अगली फुटेज देखने के बाद आप कंस्ट्रक्शन साइट से दूर ही रहना पसंद करेंगे। जो भी इस ट्रक को ड्राइव कर रहा था उसे आप दुनिया का सबसे खुशकिस्मत ड्राइवर कह सकते हैं। इतने भयानक हादसे से बिना एक खरोच के बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रार्थना करते हैं कि आपको इस प्रकार की मुसीबतों का सामना कभी ना करना पड़े, और पड़े भी तो आपकी किस्मत आपके साथ हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।